मैं सागर डिब्रेट से, हम लोग लास्ट पीआईएल कर रहे थे पिछले महीने, और पिछले महीने जो लास्ट ईयरिंग हुआ था उसमें उसका अपडेट आप सभी को देना था, इसलिए आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अपडेट अभी तक का ये है कि लास्ट जो पीआईएल लास्ट जो ईयरिंग हुआ था उसमें कोर्ट ने साफ साफ कोर्ट को साफ साफ ये पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में फिर कोर्ट ने ये आदेश पूरी, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी जो MHRD से आया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से, उनका जो उनको पूरा पावर दिया है कि पूरा इसको देखो, इसको कैसे भी करना है करो, पॉन्डिचेरी का कंडीशंस फॉलो कर सकता है तो फॉलो करो, नहीं कर सकता तो टाइम लो, जो भी है आपस में सॉल्व करो करके पूरा पावर दिया। और 72 आवर्स में, हर 72 आवर्स में, इन एवरी 3 डेज उन लोगों को रिपोर्ट करना था कि रिपोर्ट करना है कि क्या प्रोग्रेस हुआ है करके। अभी नेक्स्ट ईयरिंग है, 16 तारीख को नेक्स्ट बेंच में होगा। अभी उसके बाद में फिर हमने भी कुछ ग्रेवेंसेस दिए है, हमें भी पावर दिया गया, हम 7 पिटिशनर है। अभी तो यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं, मनोज सर हमारे साथ में, जो हमको हेल्प करे पीआईएल फाइल करने में, पीआईएल रेडी करने में। तो अभी तो बाकी लोग जो है अपने काम से बिजी है, तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी 2 प्रेजेंट है, और हम लोग अपने ग्रीवेंस में बहुत कुछ लिखे। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये था कि MSBT वाला पॉइंट, जैसे मैं डिप्लोमा से डिग्री में गया, मेरा MSBT क्वेश्चन में है, आज तक को MSBT क्वेश्चन में ही है, अभी तक का क्लियर नहीं हुआ है कि क्या हो रहा है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं MSBT का भी एडमिशन्स को रोकने के लिए, क्योंकि MSBT आज भी क्वेश्चन में है, MSBT का कुछ क्लियर नहीं हुआ है। पॉन्डिचेरी बोल रहा है MSBT वैलिड नहीं है, और अभी तक का ना कोर्ट भी ये बोला है कि MSBT वैलिड है। MSBT अपने जुरिडिक्शन से बाहर एप्लीकेशन दे सकता है, नहीं दे सकता है, वो कुछ क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसका एडमिशन्स इसके भी आगे, ताकि आगे लाइफ खराब ना हो। जितना हो चुका है, अभी ये गलती को सुधारने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन आए, 8,000 स्क्वायर। और अभी लगभग आप हमने पहले से यही पिक्चर में था कि 320 बच्चे हो या 420 बच्चे हो, 400 बच्चे, अभी 400 बच्चे का सवाल नहीं है। ये MSBT जब 2003 से चलते आया, हर साल 420 का इंटेक है, 420 बच्चों का इंटेक है, 60 डिपार्टमेंट्स है उसमें, नॉन नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज भी है, इंजीनियरिंग कोर्सेज भी है। पूरे MSBT, जब MSBT पे क्वेश्चन उठा है, तो MSBT 2003 से चलते आया है, तो 400 स्टूडेंट्स का बात नहीं है, लगभग 8,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा का बात है। तो 8,000 स्टूडेंट्स अभी अफेक्टेड है, जो अभी करंटली डिपार्टमेंट्स में काम भी कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट नौकरी में भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी है और प्राइवेट सर्वेंट भी है, मतलब वो सर्टिफिकेट को रखते हुए, डिप्लोमा को रखते हुए काम भी करते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट को लेते हुए मेरे को पौंडीचेरी में एडमिशन नहीं मिला। और उसके ऊपर में क्वेश्चन उठाया, इवन पौंडीचेरी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, केस रिपोर्ट ने भी क्वेश्चन उठाया, कंप्यूटर ऑडिट जनरल रिपोर्ट जो है उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हर साल उठाते हैं कि ये जो इनका जो है अभी तक का क्लियर नहीं हुआ है, ये इनवैलिड है इसमें। तो ये जो आगे जो ये है हमारा, जो जो भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि डीबेट का इशू अभी तक का जो है, आप लोगों को लग रहा होगा कि MSBT का एडमिशन चल रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। MSBT अभी भी क्वेश्चन में है और पौंडीचेरी का एफिलिएशन अभी भी नहीं मिला है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके हाई कोर्ट से एक अच्छा ऑर्डर आए, और हम जो बच्चों का करियर बर्बाद ना हो, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो करियर क्वेश्चन, जिनका करियर क्वेश्चन में है अभी भी, कुछ बच्चे हैं जो बाहर ज्वाइन करें उनका भी करियर क्वेश्चन में, क्योंकि उनको भी बोला गया है कि उनका भी जो है कोर्ट के जो ऑर्डर है उन्हीं के ऊपर में डिपेंड है जो बाहर ज्वाइन करे। तो आगे जो भी है एडमिशन्स वगैरह सब होता भी है, तो सोच समझ के लीजिए और थोड़ा पता कर लीजिए कि कॉलेज में क्या चल रहा है करके, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि, और जॉइंट सेक्रेटरी को ये ऑर्डर दिया था कि आप पांडिचेरी यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी से भी पता करें, प्रोफेसर लाएं, और बच्चों का जो एजुकेशन है और क्लासेस है उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब फिजिकली या वर्चुअली स्टार्ट करें इमिडिएटली। तो मैं कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो है वो आपको बता दूँ, जो हमने ग्रीवेंसेस में और कंडीशंस में दिया है। तो सबसे पहला कंडीशन हमने दिया है कि जो एग्जिस्टिंग कोर्सेस है और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं डीब्रेट में और एफिलिएशन पॉन्डिचेरी
पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का है, तो हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि इन बच्चों के लिए पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से यह ऑर्डर दिया जाए कि प्रोविजनल एफिलिएशन इसको एक्सटेंड किया जाए, और जो नए बच्चे आएंगे, नया बैच शुरू होगा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी या डी ब्रेड जो चाहे वो कर सकता है, या तो नया यूनिवर्सिटी अंडमान में स्टार्ट कर सकता है या न्यू यूनिवर्सिटी को ला सकता है। सेकेंड चीज़ हमने ये बोला कि जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम्स रुका हुआ है इसको 1 फरवरी से स्टार्ट किया जाए, हर और सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स लिया जाए, मतलब 1 फरवरी से सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम शुरू हो, फिर सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ऐसे ही हर एक 2 एग्ज़ाम के बीच में 2 दिन के छुट्टी दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी सालों से 2-3 साल से एग्ज़ाम्स नहीं हुआ, तो बच्चे शुड गेट एनफ टाइम फॉर स्टडी एंड मतलब उसको याद करने के लिए। और हर एक सेमेस्टर में कम से कम 10 दिन का गैप दिया जाए, और जो 15 दिन जो लास्ट एग्ज़ाम होगा ख़त्म होगा उसके 15 दिन के बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, और बैकलॉग्स भी नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ कंटिन्यूस किया जाए, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इनको जो नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी करती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट देती है वो इनको दिया जाए, और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट और दिया जाए जिसमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए विद अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ केसेस कि ये बच्चों का जो एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब 3 साल का एग्ज़ाम 6 महीने में हो रहा है, इसका रीज़न क्या है करके, सो दैट इनका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है इस पर क्वेश्चन मार्क ना आए, क्योंकि ये बच्चे एग्ज़ाम पास करने के बाद कोई हायर एजुकेशन में जाएंगे, मेनलैंड में कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में, कोई जॉब में जाएंगे, कोई अब्रॉड जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कहीं पढ़ना जाएगा, तो उसको एक जस्टिफिकेशन देते देते बच्चा थक जाया कि ये हुआ था, वो हुआ था, हम पे अगड़म बड़म हुआ था, तो इसको जस्टिफिकेशन अगर एक यूनिवर्सिटी या कोर्ट दे दे तो बच्चों को काफ़ी मदद हो जाएगा। और मुझे ये बोलना था, देखिए अभी शायद कुलदीप राय शर्मा जो हमारे एमपी है, मैं उसमें आऊँगा, मनु जी मैं उसमें आता हूँ, मैं पॉइंट में आता हूँ, मैं पॉइंट को ये पहले कर लूँ। तो मैं सागर जी आपका अभिनंदन करता हूँ कि कंधे कमज़ोर पड़ गए थे, ऐसा लगा था साथ छूट गया, आज आपके उल्टे हाथ की तरफ में मनोज पॉल जी हैं और सीधे हाथ की तरफ में सुनील जी भी बैठे हुए, तो हिम्मत बंधी हुई है ऐसा लग रहा है, चेहरे पर आपकी मुस्कान भी है। कोर्ट का रुख कैसा था जब कोर्ट पे आप लोग चढ़े, तो कोर्ट ने क्या कहा, बच्चे कितने दिन कहाँ थे, सो गए थे, क्यों नहीं आए, कोर्ट नरम है या आप लोगों लगी गर्म है? देखिए कोर्ट का हमारे तरफ से ऐसा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन अप्रिशिएट किया कि कम से कम कुछ लोग तो आए। इस तरह कोई भी चीज़ में देखिए, हम शुरू से 2 साल तक पेशेंटली मतलब पेशेंस रखा था कि कुछ करे ना करे, फिर हमने स्ट्राइक में बहुत पहले हम लोग 20 लोग से स्ट्राइक स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद पूरा हो गया। अब कोर्ट का रूप कैसा था? वो कोर्ट का रूप हमारे साथ में ठीक ही था, और कोर्ट दरअसल कोर्ट को अभी समझ में आया कि एक्चुअल में पिक्चर क्या था। ठीक है, अभी तक का पिक्चर क्लियर नहीं था, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, तीसरा वाला पार्ट नजर नहीं आया। हाँ। कोर्ट का रुख आपने बता दिया, वो नरम ही था आपको, क्योंकि उनको चीज पता ही था। हाँ। जिसको चीज पता था उसका रुख कैसा था, जो आपके प्रिंसिपल और जो कॉलेज मैनेजमेंट है जिनके पास आप वापस लौट के गए, जिसको पूरे अंडमान में आपने आईना दिखा दिया, वहां पे स्ट्राइक दिखाया, कोर्ट का रुख दिखाया, वो लोग अब कह नहीं रहे आपको कौन हो भाई, स्ट्राइक करने वाले अंदर घुस के आ गए, अब क्यों परेशान कर रहे हो, कैसा रुख है उनका? देखिए स्ट्राइक के बाद से तो जो पहले जो हरासमेंट हो रहा था हमारे कॉलेज, पहले आपको पता होगा पॉली एक जेल था, गेट के सामने, गेट के बाहर निकलना, बाहर अंदर जाना, अभी थोड़ा बहुत छूट मिला, सारे स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे एक के बाद एक, मतलब कुछ हरासमेंट को, कुछ हरासमेंट वगैरह होता भी है तो स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे। आपने पॉली को जेल कहा, तो जेलर किसको माने हम? देखिए जेलर तो स्टूडेंट्स, जेलर टीचर्स जो भी है कॉलेज मैनेजमेंट होगा, लेकिन अंदर जो कैदी थे वो हम ही लोग थे, क्योंकि मैं 7 साल से हूँ कॉलेज में, मेरे को पता है कि क्या कैदी के बारे में बताएंगे, जेलर के बारे में नहीं बताएंगे। मनोज जी मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगा, मनोज जी जिस तरह का डिब्रेट में मामला चल रहा था उसके बाद एक बात यहाँ पे सामने आई कि इसका हल एक हो सकता है कि डीम यूनिवर्सिटी अंडमान में आ जाए, तो ये सारी परेशानी खत्म हो जाए। मैं आपसे और अंडमान की पूरी जनता के लिए ये जवाब चाहूंगा कि डीम यूनिवर्सिटी आने के फायदे कितने होंगे और नुकसान कितने हो सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो यूनिवर्सिटी है, देखिए मेन प्रोसेस है कोई भी इंस्टीट्यूट बनाने का, कॉलेज बनाने का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्वालिटी एजुकेशन देना, क्वांटिटी एजुकेशन कोई मैटर नहीं करता। आपके पास मुझे पीएचडी बहुत सारा सर्टिफिकेट है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। और क्वालिटी एजुकेशन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी हमें बनाए तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा करके कोई गारंटी है?
जैसे अंडमान का अभी का जो एजुकेशन लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एजुकेटेड में भी बहुत हो, पी एच डी सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो, ठीक है, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन बेसिक मिनिमम एक आइडिया जो आपको चाहिए जो एजुकेशन का प्रमोट करने के लिए, क्या वो मिलेगा क्या उस तरह? जो विलेज जो अंडमान का जो लोकल स्टूडेंट है ना, जो मोस्टली विलेज से है, गवर्नमेंट स्कूल से, पहले मायाबंदर, कैंबल बे, कमोटा, पुते जैसे ये सब जगह से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इसमें क्या होता है कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा तो क्वालिटी एजुकेशन कौन देगा यार भी? आप तो फैकल्टी यही के रख रहे हो, आप बाहर से फैकल्टी, जैसा आप एनिम्स में भी आप देखो, बाहर से फैकल्टी को ला के आप अच्छा क्वालिटी का अच्छा प्रोसेस में लाना, अच्छा फैकल्टी कैसे आएगा? अगर वाइड पब्लिसिटी करोगे, ऑल इंडिया लेवल में आप उसको जो लेवल है एआईसीटी का नॉर्म से हिसाब से एडवर्टाइज करोगे, सैलरी दोगे, तभी तो अच्छा फैकल्टी हमें आएगा, ऐसे तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा एक्सपीरियंस फैकल्टी जो अच्छा पढ़ाए, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, या सिर्फ फॉरेन यूनिवर्सिटी से नहीं, कोई आईआईटी का है, कोई अच्छा फैकल्टी है, तभी तो जाके क्वालिटी एजुकेशन होगा। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया, जो अभी ये लोग कर रहा है, जो कुलदीप राय शर्मा ने वो हमें काम है पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर भी लाने के लिए, ये भी तो अच्छी चीज है ना मनोज जी। हाँ, एक अच्छा कदम लिया सांसद जी ने। हाँ, प्राइवेट मेंबर बिल लाए और उन्होंने कहा संसद में कि भाई कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में आ जाए। हाँ, ताकि बच्चों का भला हो जाए। नहीं, देखिए, उसमें खराबी क्या है? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का क्राइटेरिया क्या है आपको तो बहुत जानना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या है कि उतना बड़ा एरिया होना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट का रिसोर्सेज भी तो खर्चा हो रहा है। अगर सोचिए 5 PhD या 10 या 15 PhD प्रोफेसर को यहाँ में अगर रखेगा, ठीक है, और 15 PhD जो प्रोफेसर के लिए कितना सैलरी आएगा आप वो हिसाब करोगे तो, ठीक है, उससे अच्छा क्या होता है? देखिए फाइनेंशियल भी दिखा जाता है ना गवर्नमेंट का पैसा, क्योंकि ये तो टैक्स पेयर्स का पैसा है, मैं और आप हम पे करेंगे, है ना, तो पैसा भी देखा जाएगा जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है सबको लेके क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा। ये सब क्या है कि फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन ना हो, ठीक है, जो अभी तक पॉली में हो रहा था, ठीक है। ये आपको पता है कितना करोड़ का पैसा जो है जो आ रहा था, कहाँ जा रहा है, किसको दे रहा है, वो फैकल्टी जो रिक्रूट कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब भी तो देखना है ना। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लाने से जैसा मैं बता रहा हूँ, अन्य यूनिवर्सिटी ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आप देखिएगा अगर इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाए, अंदर यूनिवर्सिटी के अंडर में कितना सारा कॉलेजेस है, ठीक है, उस तरह उतना बड़ा एरिया में एरिया होना चाहिए, ठीक है, वो सिस्टम है। तो यहाँ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं आ सकता, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी नहीं आ सकता, ठीक है। और अगर आप ला भी दो तो अंडमान का जो लोकल जो आप लोग टैक्स पे करें ना, उसका पैसा का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा, वेस्ट होगा, ठीक है, मैं वो चाहता हूँ। क्योंकि देखो पे कोई अपना पॉकेट से नहीं करे, ना तो मोदी करेगा, ना तो अमित शाह करेगा, ना तो हमारा राहुल गांधी करेगा, पे हमको और आपको ही करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि स्टूडेंट को फ्यूचर को अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है, आप एक काम करो, आप देखो कि इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है ना, जो रैंकिंग है ना, इंडिया में जो रैंकिंग होता है या फॉरेन यूनिवर्सिटी का रैंकिंग होता है, वो रैंकिंग में आपको मिल जाएगा, टॉप 150, टॉप 50 में जो भी है, वो टॉप 50 में कोई अन्य यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी को साथ में आप रिक्वेस्ट करना, कोलैबोरेशन करना, करके बोलना कि देखो आप एक काम करो, हमारे जो कॉलेज है ना, इसको अपना अंडर में लेके इन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फाइनेंस पैसा भी कम खर्चा होगा और क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये दो मोटिव से करना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाने से क्या होगा, सेम होगा यहाँ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लाने का मतलब क्या, अगर आप ला भी दिए पैसा का भी वेस्ट होगा और ये लोग के पास पूरा पावर रहेगा, तो फिर फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन भी होगा। और अगर सोचो यहाँ में अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या, क्वेश्चन पेपर भी वो बनाएगा, साइन भी वो करेगा, ठीक है, चेक भी वो करेगा। अभी सोचिए कोई बच्चा से यहाँ में इतना पैसा है, हम देखिए सारे आदमी तो एकदम सारे प्रोफेसर भी अगर हो जाए, सब तो क्लीन नहीं रहेगा ना। सोचिए आप कल कोई किसी को प्रोफेसर बना दिया, सोचिए मेरे को नहीं तो आपको ही बना दिया, आपको कोई आया देखो मेरा बच्चा फेल हो रहा है, ये लोग 50 लाख रुपया पास करवा के उसको इंजीनियरिंग डिग्री दे दो, आप बताओ कल आप और 10 लाख रुपए देके आप गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन पर लीक करवा के वो भी बर्बाद हो गए। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं यहाँ से सीट लेकर बॉम्बे पढ़ने गया था, वो MSBT के अंदर एक सेंट जेवियर्स बहुत रेपुटेड कॉलेज है, वहाँ सेंट जेवियर्स का ऑटोनोमस बॉडी था। ऑटोनोमस बॉडी में जैसे मनोज सर ने बताया कि वो खुद एग्ज़ाम लेते, सिलेबस खुद बनाते, एग्ज़ाम सब कुछ होता है। तो जैसा अंडमान निकोबार एक लो एरिया है तो उसके लिए जो सीट दिया था, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ सीट्स आते थे, वहाँ पे बच्चे आते थे पढ़ने के, एंड उनका एजुकेशन क्वालिटी और भी काफ़ी मतलब ख़राब था। तो उन लोग क्या करते थे, जो टीचर जो लेक्चर है वहाँ का, उनके साथ इवनिंग में 2 घंटे ट्यूशन लेते थे, हमसे एकदम आंखों के सामने हम लोग देखते, 2 घंटे ट्यूशन लेते थे, और कितने एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले एक बहुत अच्छा 15,000-20,000 रुपये दे के, उस मैं बात कर रहा हूँ 2002 के आसपास की, और उनको क्वेश्चन पेपर पूरा दे दिया जाता था, वो जाके प्रिपेयर करके आते थे
और वही साइन करके, क्योंकि हमें भी मिलता, हमें भी हमारे दोस्त बन गए थे, चलो हमें भी बता दिया एक दो क्वेश्चन, ऐसा कुछ होता था। तो मैं उसका एकदम एग्जांपल हूँ लाइव, जो एमएसबीटी बात करें, एमएसबीटी का स्टूडेंट भी रहा हूँ मैं। और एक डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक डिफरेंस सिंपली एक जो कॉमन मैन को समझाने के लिए बताता हूँ, आप एक शेर को एक रस्सी से बांध के एक एरिया में छोड़ दे, उस सर्कल के अंदर जितने भी जानवर आएगा उसको अटैक करेगा वो। ये हो गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो रस्सी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या हो गया, उसी का रस्सी को आप काट दे, अब वो शेर क्या करेगा, शेर घूम घूम के सबको खाएगा। तो ये हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में डिफरेंस जो होता है। और मैं कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ में कॉलेज है JNRM, ये पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से काफ़ी 1987 के आसपास एफिलेटेड है। महात्मा गांधी कॉलेज 1990 से एफिलेटेड है अंडमान, और उसके बाद जो लॉ कॉलेज है 2016 से एफिलेटेड है। उसी तरह अंडमान एंड कॉल जो है वो भी काफ़ी एफिलेटेड है। प्रॉब्लम किसको है, वनली डीब्रेड को है। तो तिनका जो है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, चोर के दाढ़ी में तिनका है। तो अब एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज को प्रॉब्लम है, उसके वजह से हम पूरा एक स्टेबलाइज सिस्टम हटाने की वजह से उसको रिफाइन या उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का सोचना चाहिए। देखिए मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो डीम यूनिवर्सिटी की बात की, लास्ट जो हमारे PIL फाइल होने से पहले एक हियरिंग हुआ था, उसमें मैं प्रेजेंट था कोर्ट पे। तो कोर्ट पे बात चल रहा था कि आप पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम है, या यहाँ डीब्रेड में क्यों प्रॉब्लम चल रहा है। तो टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन के जो वकील है, एडमिनिस्ट्रेशन जो डीब्रेड की तरफ से लड़े, उन्होंने बोला कि हम लोग एक नया यूनिवर्सिटी यहाँ लेके आ रहे हैं, डीम यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी। अब बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी तो आ ही जाएगा, तो ये बच्चे क्या करेंगे जो पांडिचेरी में पढ़ रहे हैं। और जैसे सुनील गुप्ता सर ने बोला कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी बाकी सारे कॉलेज में भी है, तो कॉलेज में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, डिबेट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली मेरे को खबर मिला कि NSCBU का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उत्पल शर्मा जी है। देखिए उत्पल शर्मा जी का एज कितना है, 60 अबव है, 65 ईयर्स तक उनका है। तो अगर वो ये चाहते हैं कि NSCBU यहाँ आए और उनका वाइस चांसलर बन के बैठ जाए, तो 85 ईयर्स तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये उनका प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग है। तो एक कॉलेज के पीछे सारा कॉलेज का यूनिवर्सिटी को हटाना, तो ये गलत चीज़ है ना। बाकी सारा कॉलेज तो बढ़िया से चल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आने से, DIIMD यूनिवर्सिटी आने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरेगा और फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट का क्या होगा, ये कंट्रोल पूरा इन लोग का हाथ में आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब जो डायरेक्टर उसी का हाथ में आ जाएगा, इंटरफ्रेंस कम रहेगा। तो ये लोग क्या करेगा, मनमानी करेगा, जो भी रिक्रूटमेंट में मनमानी करेगा, जैसा मैं आपको क्वेश्चन पेपर खुद बनाएगा, एग्जाम किसको पास करवाना वो सब कुछ करेगा। तो देखो अगर कैसा होता है, जैसा CBSE है, आप यहाँ में बच्चों को पढ़ाओ, क्वालिटी एजुकेशन आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी ने, तो जो भी अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी हो, ये लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चेक करेगा, ये लोग रिपोर्ट देगा, ये लोग क्वेश्चन पेपर बनाएगा, ये लोग एल्सर शीट साइन करेगा। तो सोचिए एक क्वालिटी मेंटेन रहेगा, ये तो क्वालिटी भी डिग्रेड करके आप अगर हाँ अच्छा रहेगा। देखिए ये चीज में देखो हमें प्रॉब्लम नहीं, हम देखो हम आप एक बात बताओ, अभी यहाँ में जो चल रहा है आप किसी को भरोसा कर सकते हो, बताइए। और क्वालिटी एजुकेशन अगर गिर जाए तो क्या होगा, अंडमान का जो रिमोट एरिया का जो बच्चे है ना, ये तो ऐसे ही सफर करें गवर्नमेंट स्कूल में, यहाँ में आके भी सफर करेंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर वो रिक्रूटमेंट नहीं करे, जैसा देखो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग NH4 भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, वो रोड नहीं बना रहे, हम लोग उसको बोल रहे हैं बनाओ बनाओ करके, फिर भी नहीं बना रहे हम लोग, क्या उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर है, तो अगर सोचिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर बना के वो कंट्रोल में रखे और रिक्रूटमेंट नहीं करे, तो आप क्या कर पाओगे बताइए, फिर वही तरह से फंस जाएगा। मनोज जी, आप जिस तरह से आपने बताया, अभी जो ये सेंट्रल और डीम यूनिवर्सिटी का चल रहा है, आपको क्या नहीं लग रहा है कि उससे बेहतर है स्कूल जो इंटर आइलैंड में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको ठीक करे, और जिस तरह से बाकी कॉलेजेस चल रहे हैं पांडिचेरी में जिस तरह से एफिलिएटेड है डिब्रेट, उसको चलने दे ताकि कोई हॉच पॉच ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले तो बोलते हैं ना कि जो लो लेवल है, घर बनता है तो फाउंडेशन को पहले ठीक करो, तभी तो महल खड़ा होगा। तो जो ग्राउंड लेवल में है, जो स्कूल लेवल है, गवर्नमेंट स्कूल इतना बुरे हाल में है, डिग्लीपुर और भी कई इंटर आइलैंड कैमर बे सारे स्कूल खस्ता हाल में, इंटर आइलैंड तो छोड़िए पोर्ट ब्लेयर में ही गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल बेहाल देख रहे हैं। तो उसे ठीक करे, ये सेंट्रल और डीम के पीछे जाने से अच्छा है उसे ठीक करे, और जिस तरह से चल रहा है और पांडिचेरी को एफिलिएशन दे दे तो शायद किसी को प्रॉब्लम ना हो। देखिए गवर्नमेंट क्या करा ना, गवर्नमेंट आप अच्छा से देखोगे, जो अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है ये क्या करना, पूरा फंडिंग बंद कर दिया,
कोई भी कॉलेज में जाकर कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है, साइंस टीचर नहीं, जो जो साइंस टीचर है बेसिक साइंस का टीचर नहीं है, आर्ट्स का टीचर कोई कैसे भी साइंस में पढ़ा रहा है, कोई प्राइमरी स्कूल कोई LGC पकड़ के जो LGC क्लर्क है वो पढ़ा रहा है टीचिंग में, ठीक है। तो हुआ क्या ना, एजुकेशन में फाइनेंस बंद कर दिया। अभी एजुकेशन में अगर फाइनेंस बंद कर देना तो फ़ायदा किसका है बताइए, लॉस किसका है? लॉस सोसाइटी का है, लॉस पूरा अंडमान निकोबार में, क्योंकि आपको डार्क में रखा जा रहा है। आपको गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई मत करो। देखो आप अभी देखो डिग्री पूर्ण, मैं बोलो नॉर्थ मिडिल अंडमान का सैलरी तो नहीं बंद हो रहा है ना? नहीं नहीं, कौन सा टीचर का? टीचर्स आप बोल रहे हैं कि फाइनेंस एजुकेशन सेक्टर में बंद हो रहा है। हाँ, तो आप नहीं, नया रिक्रूटमेंट, नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, जो पुराना टीचर है वही चला रहा है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो आपको अगर साइंस जियोग्राफी का टीचर जियोग्राफी पढ़ा सकता है, फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ा सकता है, केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। आप अगर फिजिक्स का टीचर को जियोग्राफी पढ़ाने बोलो कैसे पढ़ाएगा बताइए, और जियोग्राफी का टीचर को फिजिक्स पढ़ाने बोलो पढ़ा देगा? अंडमान में कोई भी जगह नॉर्थ मिडिल अंडमान प्रिंसिपल वगैरह नहीं है, ठीक है। अभी हुआ क्या है, आप देखो NH कोड नहीं आना, वहाँ में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं देना, वहाँ में कॉल भी नहीं जाता है। मैं हूँ ना, था ना डिग्री पोर्ट में, कॉल भी नहीं जाता। ये क्या कर दिया, ये एरिया को कट ऑफ कर दिया। अभी कट ऑफ करने से फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट को, कि वहाँ का आदमी लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। मैं अभी एक नोबेल प्राइज विनर जो है बैनर्जी का और डफलो का मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें अच्छा से गरीब कौन है आप अच्छा से देखिए, गरीब सोसाइटी में वही है जिसका पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। आपका अंडमान में बोला नहीं था आपको स्टेट लाइब्रेरी जाओ, कोई भी लाइब्रेरी में जाओ या कोई भी जगह, देखो बुक नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट वही चाहता है कि आप वही सुनो जो मैं चाहता हूँ, आप वही देखो जो मैं चाहता हूँ, तो उसमें गवर्नमेंट का फायदा है ना। गवर्नमेंट आपको क्या मिस यूज करेगा, आपको यूज करेगा इलेक्शन में वोट लेगा। मनु जी, मैं इसमें छोटा सा चीज जानना चाहूंगा, अंडमान के जो हालात है उस बुनियाद पर अगर हम लोग बात करें, तो जैसा आपने कहा कि डीम यूनिवर्सिटी यहाँ के लिए कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं, नहीं नहीं, डीम यूनिवर्सिटी भी नहीं है, सेंट्रल भी नहीं, 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 नहीं। तो यहाँ पे असल जो चल रहा है अभी जो है पौंडीचेरी का सारा मसला है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से बता रहे थे सबको दिक्कत पौंडीचेरी से, जिसको सुनील सर ने क्लियर किया कि बाकी जितने भी कॉलेज है 7-8 कॉलेज वो पौंडीचेरी के साथ चल रहे हैं। अगर हम लोग उसको बदल भी दें तो ये क्या टेम्पररी सोल्यूशन नहीं होगा, परमानेंट की तरफ अगर हम लोग जाना चाहें तो कौन सा परमानेंट सोल्यूशन? देखिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन हो, इसीलिए वो क्या बोल रहा है, उसका नीड में क्या लिखा है, वो लिखा है कि एजुकेटेड प्रोफेसर लाओ, एजुकेटेड फैकल्टी लाओ। उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ ये एफिलिएशन वाला छोड़ के हमारे पास खुद अपना कोई यूनिवर्सिटी हो ऐसा कोई चीज के बारे में हम लोग क्यों ना सोचे? नहीं वही तो बोल रहा हूँ, आपके पास अगर यूनिवर्सिटी हो जैसे आप सेंट्रल और डीम अपने पास होने का मतलब क्या है, फिर क्वालिटी भी खराब हो जाएगा ना, और फाइनेंस का फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन हो जाएगा। आप सोचिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आप ही बना रहे हो, आंसर शीट आप ही बना रहे हो, रिक्रूटमेंट भी मतलब जो भी आप भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है, फ्यूचर के लिए नहीं। अभी देखो होता है फ्यूचर के लिए क्या है ना, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उतना एरिया होना चाहिए, मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि देखो एक जादवपुर यूनिवर्सिटी का अंडर में कितना सारा कॉलेजेस एफिलेटेड है, आंध्र यूनिवर्सिटी का अंडर में कितना सारा एफिलेटेड है, सबको पता है। तो उसी तरह का अगर बनाओगे, ठीक है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें बनाओगे तो अंडमान में तो एक ही कॉलेज है, वो कितना सारा पैसा, आप ऐसा मत सोचो। देखो अगर एक PhD करके अगर 2-2.5 लाख रुपये एक प्रोफेसर के ऊपर आप खर्चा करोगे, अगर उस तरह 10 या 15 एक एक सब्जेक्ट नहीं है, इंजीनियरिंग में एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट रहता, 6 प्रोफेसर लगाओगे आप, ठीक है, तो कम से कम आपको सोचिए 50 जन भी रिक्रूट करना, एक को 2 लाख करके भी सैलरी देना महीना में, तो 50 प्रोफेसर × 2 लाख तो कितना होगा, 1 करोड़ महीने में जाएगा, तो आपको 12 तो एक साल में कितना 12 करोड़, तो फायदा कम होगा नुकसान ज्यादा होगा ना। तो जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलने दो, नहीं ऐसे ही चलने दो। अभी क्या है कि देखो आपको उसमें क्या होगा, आप 5 प्रोफेसर रहेगा, ठीक है, और जो है जो नया MTech कैंडिडेट है ये सब करके जो एक्सपीरियंस है पब्लिश कर रहा है या इन द प्रोसेस है PhD कर रहा है वो सब प्रोफेसर को लगे, तो इसमें क्या होगा, 2 फायदा होगा। देखो और क्या है ना, परमानेंट स्टाफ से देखो हमेशा याद रखना कि अगर किसी को परमानेंट जॉब प्रोफेसर में कर दिया, उसे भी पढ़ा नहीं रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्या है कि बैलेंस करने के लिए, इसलिए तो कुछ आपको कॉन्टैक्ट में रखता है कुछ फिक्स, लेकिन यहाँ में तो सारे ही गड़बड़ है। अभी इसमें एक दिक्कत है मनोज जी, पूरी दुनिया सीधा चल रहा है, डिबरेट उल्टा चल रहा है, जिस तरह हमें नजर आ रहा है। डिबरेट में इतना बड़ा मसाइल चल रहा है, इतनी बड़ी परेशानियां चल रही है, उसके बावजूद भी एडमिशन ओपन है, उसके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में टीचर उसके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, तो डिबरेट किस दुनिया में जी रहे हैं जब इतनी परेशानी कोर्ट तक पहुंच गई है। मुझे सागर दिखा रहा था, कोर्ट ने ऑर्डर भी करा है 2020 में कि आप एडमिशन करने से पहले ये सब पूरा इन्फॉर्म, बिना इन्फॉर्म करके आप एडमिशन नहीं कर सकते, लेकिन वही तो मुझे पता नहीं कि ये लोग कर क्यों रहा है। तो ये सब पॉइंट हम लोगों ने अभी रेज किया है ग्रीवेंस जो कोर्ट में, कि देखो हम लोग ऐसा है, हम लोग जो ग्रीवेंस जो देने के लिए बोला, सागर मुझे बताया था, हम लोग पॉइंट वाइज लिख के दिए कि सर एक बात बताओ, ये जो आप लोग जो एडमिशन भी ले रहा है, ये एडमिशन भी इलीगल है करके, नहीं इवन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने कॉन्ट्रैक्ट टीचरों के ऊपर बहुत कड़े शब्दों में कहा
कि ये डिब्रेट में नहीं होना चाहिए। अभी भी न्यूज़पेपर में डिब्रेट में कॉन्ट्रैक्ट टीचर क्या है, एक्चुअल में क्या है ना अजीत भाई, लास्ट जो ईयरिंग में पीआईएल में उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द जो भी है वो उसमें 17 कंडीशंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कंडीशन में इन्होंने बोला कि 5 से 6 महीना में हो जाएगा, तो तब तक के लिए शायद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ले रहे हैं। अभी करंट प्रोसीजर पढ़े लिखे हैं, शायद गवर्नमेंट वैकेंसीज है, निकाल क्यों नहीं रहे, ये सिर्फ डिब्रेट का बात नहीं, अभी होगा, ये कोर्ट ऑर्डर दे दिया है ना, हर कॉलेज को गेस्ट, जेएनआरएम है, सबको गेस्ट लेक्चर ही नहीं चला रहा है, हार्डली कुछ परमानेंट लेक्चर। मैं देख रहा था जो फैकल्टी को दे रहा है ना, वो लोग 12,000, 13,000, 14,000 सैलरी में रखे हैं, देखो, और वो सैलरी में अंडमान में जी भी नहीं सकता, वो जी कैसे रहे कि उसका हस्बैंड का नौकरी होगा, वाइफ जॉब कर रहा है, या तो वाइफ का नौकरी होगा, हस्बैंड जॉब कर रहा है 12,000-14,000 में, क्योंकि अपने घर में चुप से बैठे रहने चाहते ऐसे कर रहा है। देखो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी, यही तो मैं समझा रहा हूँ, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करने का मतलब है जो पूरा फ्यूचर जनरेशन को खराब कर रहा है। एक कहावत है, बहुत फेमस आदमी ने कहा है, ये कहा है कि पॉलिटिक्स, ये बोला है कि जो क्लासरूम है ना, क्लासरूम में आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बताएगा कि फ्यूचर जो नेक्स्ट जनरेशन का पॉलिटिकल सिनेरियो में सोसाइटी में कैसे होगा। अभी अगर एजुकेशन ही आप नहीं दोगे, आदमी को ब्लैंक रखोगे, तो उसको तो इन्फॉर्मेशन रहेगा नहीं, तो उसमें आप कैसे भी मैनिपुलेट कर पाओगे। अभी सोचिए कोई, आप देख, आप खुद सोचो, डिग्रीपुर जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बंगाली, मैं डिग्रीपुर से हूँ, आप देखिए बंगाली लोग कैसे, वो लोग को इशू ही नहीं है, वो लोग बोला कि पाकिस्तान के साथ ये है, चाइना के साथ ये है, उसका ऊपर इशू करके, वो लोग का अंडमान का एक्चुअल इशू पता ही नहीं है ना, तो वो लोग जानना चाहता है, क्यों, क्योंकि ये लोग पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अंडमान में हो क्या रहा है, करप्शन कितना हद तक बढ़ गया है, इसको कम करने का प्रोसीजर क्या है, बाहर में आदमी लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है नहीं। ये लोग का क्या है, थोड़ा सा आप एक व्हाट्सएप में एक वीडियो बना दो, हिंदू मुस्लिम हो गया, बुरका वाला हो गया, देखो ये लोग पूरा खुश है। ये लोग खुश क्यों है, क्योंकि ये लोग अभी फ्यूचर ये लोग का कितना खराब होने वाला है, ये लोग समझ नहीं पा रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसमें हम और एक चीज जानना चाहेंगे, पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी का मसला तो समझ आ गया था, एमएसबीटी का प्रॉब्लम भी सामने आ गया, इसमें मुझे एक छोटी सी चीज में रोशनी डालिएगा, जिन लोगों ने शुरू से एमएसबीटी से अपनी कोर्स कंप्लीट किए 2002 के बाद से, उनका भविष्य कितने खतरे में है। मैं भी एमएसबीटी का हूँ, अभी पॉलिटिकल स्टूडेंट है जी, मैं भी तो एमएसबीटी का स्टूडेंट हूँ, भविष्य भी खतरे में नहीं, भविष्य खतरे में मतलब मुझे तो वही, मुझे तो अभी पता चला है, बच्चा लोग स्ट्राइक करा, फिर मैंने पढ़ के, मेरे को तो पता नहीं, आप भी एमएसबीटी के, सागर आज कर रहा है, मैं 2004 में डिप्लोमा करके फिर बीटेक, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बात हो गया, आप भी फंसे पड़े आज के डेट में, नहीं मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा चल रहा है। ऐसे कहीं लोग हमें मिले हैं जो एमएसबीटी से 2002, 2005, 2006 से कोर्स करके अच्छे अच्छे पोस्ट में बैठे हुए हैं, उनका एक सवाल था कि भाई हम लोग तो पोस्ट में चढ़ चुके हैं, नौकरी भी मिल चुकी है, तो अभी हमारा भविष्य क्यों खतरे में, हमारी सारी डॉक्यूमेंट तो इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन्होंने ही वेरीफाई किया और इन्होंने नौकरी दिया, तो नौकरी हो गई तो अब हम खतरे में क्यों आ गए। नहीं एक्चुअली क्या है कि वो ये बोल रहा है कि जो एमएसबीटी है यहाँ में मतलब आउटसाइड का ज्यूरिडिक्शन वैलिड नहीं है करके बोल रहा है, ठीक है ना, आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन वो अपने बायलॉस में लिखा ही नहीं है कि अनुमान के लिए। लेकिन अभी यहाँ क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे जब एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अगर चोरी करता भी है तो चोरी को छुपाना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड अन्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गया, तो एमएसबीटी वाला लोग, मेरा जो अनुमान से पढ़ के गए, जो डिब्रेट से पढ़ के गए, उनको एडमिशन दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, क्योंकि अभी यह मैटर बाहर आया, इतना दिन तक पता नहीं था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब तो ऐसा हो गया डिब्रेट के सर्टिफिकेट को 3-4 बार कलेक्ट, तो अगर अगर हो सके जो नौकरी में है, नौकरी में जो है उनके ऊपर में अगर कोई ऑब्जेक्शन करे तो उनका नौकरी भी खतरा में है, जब तक ये क्वेश्चन में होगा, अगर एमएसबीटी क्वेश्चन में है तो उनका नौकरी भी खतरा में। यहाँ पे सरकारी सैलरी लेके नौकरी कर रहे हैं, उनके सर में भी तलवार लटक रहा है, लटक रहा है वो, उनका भी देखिए, इसलिए तो ये एमएसबीटी को उठा नहीं रहे है कोई, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी एमएसबीटी वाला पॉइंट को उठा नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि उनको पता है ये पॉइंट अगर उठेगा तो सबके सर्टिफिकेट क्वेश्चन में उठा चुके हैं, मैं उठाया हूं और मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं क्लियर करके ही रहा हूं, एमएसबीटी का फुल फॉर्म समझना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन जो बोर्ड होता है ये एक स्टेट के लिए होता है, एक इंटरनल मैटर होता है, सीमित दायरा है, और यूनिवर्सिटी दे सकते हैं हां बाहर अपने स्टेट से बाहर नहीं देते हैं। लेकिन कई बार हम लोगों ने होता क्या ना, अंडमान से देखो, अंडमान से तो मेनलैंड का ही कोई देना पड़ेगा, तो वहां में थोड़ा लॉ चेंज करने से हो जाता है, मतलब ऐसा बड़ा इशू नहीं है, टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं है एक्चुअली क्या है कि एक्ट के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से ऐसा है तो एक्ट को अमेंड किया जाए। वो बोला देखो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जो फीस वगैरह मैं देख रहा था ना,
जो अंडमान का जो स्टूडेंट जो फीस पे करता है विद कम्पेयर टू अदर स्टेट स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा है राइट, हम लोग वो भी देख रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना, एमएसबीटी जो है एक साल में 66 लाख रुपीज इन लोग कॉलेज के थ्रू पे करते हैं उनका एफिलिएशन के, एमएसबीटी के एफिलिएशन, और एमएसबीटी के जो एमओयू है मैंने देखा खाली एमओयू से ये एफिलिएटेड है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनका बॉयलर्स में एमओयू से भी कोई प्रोविजन है ही नहीं कि एमओयू से भी दे सकता है करके, उनका बॉयलर्स में ये भी नहीं है। प्लस अगर एमओयू से अगर एफिलिएटेड है भी तो एमओयू में ये लिखता है कि एवरी ईयर फीस हैज टू बी पेड, मतलब एवरी ईयर एमओयू से चलने के लिए इनको फी पे करना पड़ेगा 66 लाख रुपीज हर साल। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी था, कितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो ले सकते हैं, बहुत चीप था। जैसे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी 2 लाख रुपीज पर मंथ, मतलब पर एनम लेता, मतलब एक साल में 2 लाख रुपया लेता, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए तो सस्ता पड़ेगा। हाँ सस्ता पड़ेगा। सुनिए ये जो 66 लाख पे कर रहा है ये आपका मेरा पैसा है, बड़ी बात है। हमको तो लगता है, हमको तो लगता है यहाँ भी करप्शन है क्योंकि सेटिंग करवाई कराएगा। देखो एमएसबीटी बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पर टेक्निकल जो बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, जो भी है इसको सेटिंग कराओ कि भाई तुम 66 लाख रुपए दूंगा तुम कुछ कमीशन मेरे को दे देना 5% भी एक साल में, अगर हाँ एक साल में अगर 66 लाख रुपए देते नहीं वो किकबैक बोलता है उसको सीधा बात में, ठीक है 66 लाख रुपीज अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली अगर उसके एक साल में अगर 5% भी दे दे तो अगर 10 साल का हिसाब करोगे तो बहुत पैसा होता है। देखिए मैं कुछ फैक्ट्स और भी सामने लाना चाहूंगा। ये जो 66 लाख रुपीज सर ने बोला, मैंने बोला कि 66 लाख रुपीज पे करते हैं, ये अफिलियटेड है एमएसबीटी के लिए। एमएसबीटी का वेबसाइट है, एक ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें मुंबई रीजन्स बोल के कॉलेज है, मतलब मुंबई अंडमान रीजन्स के लिए कोई कॉलेज का नाम रजिस्टर्ड था ही नहीं हमने जब तक स्ट्राइक नहीं किया। और जितने स्टूडेंट्स इंटेक होता है हर साल उन लोग का साइट में एंट्री होता है कि इतना स्टूडेंट्स इंटेक हुआ ये कॉलेज में, लेकिन हमारा डीबेट कॉलेज का 2003 से चल रहा है, आज तक का कोई प्रॉपर ये है ही नहीं, मतलब अभी भी ऐसा है कि जीरो इंटेक जीरो ये, मतलब कब से कब तक एफिलिएटेड एफिलिएशन डिटेल्स नहीं दिया गया है। हमारा कॉलेज मुंबई रीजन्स में, हमारा कॉलेज जो है मुंबई रीजन्स में दिखा रहा है, ये सब भी इवन कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में भी है ये सब। तो अभी जो लोग एडमिशन ले रहे हैं तो जो आने वाले हैं उनके लिए आप बता दीजिए, नया साल आ चुका है, किसी के लिए खुशियां किसी के लिए गम का माहौल है, वो स्टूडेंट क्या करें? देखिए अभी अभी रिसेंटली एक डिप्लोमा में एडमिशन हुआ है, जब हमारा स्ट्राइक चल रहा था स्ट्राइक के बीच में एडमिशन कराया गया, हमने सबको बताया भी, इवन आपके चैनल के थ्रू बताया, बहुत सारे जरिए से बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो एमएसबीटी का प्रॉब्लम है। एमएसबीटी के प्रॉब्लम के बाद में पांडिचेरी के कंडीशंस तो कंडीशन फुलफिल नहीं किया था, प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम तो एमएसबीटी का है। तो शुरू से मैंने बोला है कि ज्वाइन मत करिए यहाँ पे जब तक ये क्वेश्चन में है, और आगे भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब तक आपको, अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन्स लेते भी है तो पहले कॉलेज के एफिलिएशन डिटेल्स को थोड़ा ले लीजिए, वो आपका हक है, आपके पास राइट है कि वो डिटेल्स ले सकते हैं आप। और एक बात तो सागर जो बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं डिग्री पोर्ट से फार्मर फैमिली से, देखो हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं था कि हम मेलैंड में जाके पढ़े, ठीक है। वो जो बोल रहा है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर किसी को इंजीनियरिंग करना ही है या कोई देखो जो साइंस में इंटरेस्ट है ना, जो ए लाइन में जाना चाहता है, तो उसका पास देखो फाइनेंस हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास क्या यही ऑप्शन है, है भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो एक बात बताइए, आप अगर बोलोगे कि हमें मेलैंड जाओ ये कॉलेज में ज्वाइन, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? इसीलिए सागर जो बोल रहा है कि मना करने के बाद इतना परेशानी देखने के बाद बच्चे क्या करें, हाथ पैर मार के आ रहा है, अब समझे तो आर्ट्स में मजबूरी है आप समझे। और सोचो इतना बच्चा लोग का लाइफ खराब कर रहा है ये आईएएस पॉलिटिशियन मिलके, और इन लोग को शर्म भी तो आना चाहिए, मेन प्रॉब्लम की शर्म भी। देखो हम अगर सही में, हम अगर फैकल्टी होते ना, हम हाथ जोड़ के हम बोलते देखो भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम फ्री में पढ़ा देंगे जितना सैलरी आपने टैक्स पेयर्स ने मुझे दिया, क्योंकि ये ऑटो वाला रिक्शा वाला यही लोग, हम लोग तो टैक्स पे करते जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है हम छोड़ के चले जाते, सही बोलो शर्म के मारे। आंदोलन तो ऐसे ही होते हैं, हाँ। किसी एक के दिल में हलचल होती है, हाँ। वही वहाँ पे विद्रोह शुरू करता है और उसके बाद आंदोलन होती है। हाँ। हम उम्मीद करेंगे कि डिब्रेट के जो टीचर्स बैठे हुए हैं, हाँ। मोटे मोटे पेमेंट ले रहे हैं, हाँ। उनके दिल में भी हलचल हो और वो लोगों को भी लगे कुछ गलत हो रहा है, हाँ। अब आवाज उठाने की जरूरत। अभी देखो नहीं, अभी मैं उस दिन गया था तो बोल रहा है कि स्टूडेंट नहीं है, फैकल्टी आता है थोड़ा घूम फिर के चला जाता है, जो भी है सिस्टमेटिक। आप सोचो कितना टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हो रहा है, मतलब पैसा तो यही हम सब अंडमान आइलैंडर्स पे कर रहे हैं, ठीक है आप सोचो कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, बच्चे का एडमिशन नहीं है। देखो ये सब मिलके क्या है कि एक एसोसिएशन बना के है कि नहीं, सब प्रेशर करना चाहिए कि देखो ये हम लोग को भी तो शर्म आ रहा है कि हम लोग पैसा ले रहा है। पता है एक एग्जांपल था, बिहार का कोई फैकल्टी था, वो 2020 में अपॉइंटमेंट का बाद लॉकडाउन जा करके 1-2 साल वो सैलरी लिया, वो पता है पूरा सैलरी ना वापस कर दिया और उसको मीडिया में इतना ये करा। आप देखो अभी भी मैंने देख रहा था, वो ये बोला कि सर मैंने एक भी क्लास नहीं लिया, मैं थोड़ा मोटा क्लास लिया, मेरे को फर्क ये नहीं पड़ता कि मैं पूरा सैलरी लूँ। ये होता है एक, मतलब क्या बोले बताइए, सोसाइटी का सामने खड़ा स्टैंड लेना, मुझे लगता है मतलब टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हो रहा है। अब सोचो कितना बड़ा बात है,
जो भी हमारे सच्चाई सामने लाए। बोलना चाहूंगा यहाँ में देखिए एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है, दो पॉइंट में बोलूंगा। एक ये जो पूरा डिबेट का इशू है इसमें एक एक्टर है, हिडन है, वो बिल्कुल हिडन है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ था, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। जब यहाँ उत्पल शर्मा आए थे, जब मैं 2002 में लेक्चर था, आई थिंक उससे पहले ही कुछ आया था, ये दिल्ली से MSBT आने का पीछे एक कारण है। दिल्ली वाले ऑटोनोमस नहीं देना चाहते थे, दिल्ली वाले अपना यूसटी काइंड ऑफ लिंक रख गए थे, कंट्रोल करेंगे अपना। लेकिन ये जो वर्ल्ड बैंक आया था उसका कंडीशन था, मैं अगर आप ऑटोनोमस हो तो ही हम आपको पैसा देंगे। तो सुनने में आया कि ये उस वजह से MSBT के लिए तरफ गए थे, उन्होंने एक रास्ता निकाला। मैं थोड़ा ऐड करूं, जब वर्ल्ड बैंक आया था यहाँ से डिब्रेट से कुछ टीचर कुछ लेक्चर्स को पढ़ने के लिए भी भेजा गया था, काफी खर्चा हुआ उनके ऊपर, लेकिन उसमें से एक भी जो है आज यहाँ पे नहीं है, सब बाहर है। नहीं मैं जानता हूँ कुछ, आई डोंट नो कि उनको कौन स्पॉन्सर किया था, लेकिन जब मैं पॉलिटेक्निक में था कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, तो वहाँ के काफ़ी सारे लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, बट आई डोंट नो वो उन्होंने अपने पैसे से MTech किया या PhD किया या डिब्रेट के स्पॉन्सरशिप में किया। ये मेरा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन था, एक चीज़ होता है बाई वर्सेज बिल्ड वर्सेज रेंट। मुझे घर चाहिए तो मैं बना बनाया घर लूँगा या बिल्ड करूँगा या रेंट पर लूँगा। इसको थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ही बोलूंगा कि जैसा मेरा बेटा चाहता है कि अपना जो बारात है वो हाथी में बैठकर जाए, उत्पल शर्मा समझिए मेरा बेटा है, वो बोलता है मुझे हाथी में बैठकर बारात लेके जाना है, तो मैं हाथी खरीदूंगा या रेंट में लूंगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो फिर हाथी बनाना है, हाथी बनाना है। तो ये जो है कि हमें अगर यूनिवर्सिटी चाहिए तो यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए? जब एक यूनिवर्सिटी है तो हम उसको ठीक ठाक चलाएं, जो रिपेयर करके या जो मेंटेनेंस करके, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द ह्यूज करोड्स ऑफ मनी ऑन दिस थिंग, हम बच्चे के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाएं, जो इंटर आइलैंड में एजुकेशन है उसको बढ़ाएं, कुछ तरीका निकालें जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अंडमान निकोबार के बच्चों का बढ़े। नहीं बार बार इसमें मैं एक ही चीज के साथ इस चीज को विराम देना चाहूंगा, उंगली उठती है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन अगर दिक्कत पांडिचेरी में होती तो बाकी सारे कॉलेजों में भी उसका असर होना था। केवल क्यों डिब्रेट, और सवाल केवल क्यों डिबेट पे उठ रहा है ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ कि एक ही कॉलेज पे सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्या वहां पे बैठा हुआ सत्ताधारी जो पक्ष है, जो बैठा हुआ शख्स है, वो सही कर रहा है या गलत, इसका फैसला आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।